Amen. मरने से कितना लोग डरता है? हाँ, मरने से कितना लोग डरता है? क्यों बताइए? अभी देखिए, हम लोग सब कोई हमारा प्रभु यीशु का आने का इंतजार कर रहे हैं ना, हम लोग सब जन स्वर्ग जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, है कि नहीं? कितना लोग स्वर्ग जाना चाहता है? आमीन। तो हम लोग मरेगा तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा, तो डरना क्यों है? हाँ, घर जाना तो खुश होना है, हंसते हंसते जाना है, लेकिन बहुत सारे लोग डरता है। हमको क्यों डरना है? अरे मरेगा तो घर ही तो जाएगा। वो बोलता ना एक तो कहा, हमारा दोनों हाथ घी में, बोलता ना एक तो कहावत है ना, कैसे वाला कहावत हो, दुईटे अंगुली घी मसा भन्छ नि। उस टिभी में एक तो एडभर्टाइज है ना, मुँह में लड्डू फुटा बोल के, हाँ डबल वाला दिखाते ना। तो ना हम लोग तो जीने से भी हम लोगों को लाभ है, मरने से भी लाभ है। हम लोग तो साधारण नहीं है ना, मरेगा तो और स्वर्ग चला जाएगा, प्रभु का साथ चला जाएगा। आमेन। हम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर का राज्य को स्थापना कर रहे हैं, और परमेश्वर का राज्य को स्थापना करने के लिए हम लोगों को वही काम करना है जो प्रभु हम लोगों को करने के लिए देता है। आमेन। मैं आपको चार बातें बताऊंगा इस समय में। एक, कलीसिया स्थापना करने व्यक्ति का क्वालिटी। मेरे साथ कोई भी निकाल दीजिए लूका उसका 17 अध्याय उसका 22 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 का 22 पद कोई भी पढ़ दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है परमेश्वर? 21, पहले 21 को पढ़ दीजिए, 22 का 21 को। लूका 17 का 21, लूका 17 का 21। और लोग यह ना कहेंगे, देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। आमीन। आमीन। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है? ना लोग कहे इधर है उधर है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य किधर है? हमारे भीतर। आमीन। और अगर परमेश्वर का राज हमारे भीतर है, तो परमेश्वर का राज्य को स्थापना करने वाला जिम्मेदारी भी हमारा है। आमीन। बाहर का लोग उसको नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये हमारा जिम्मा है। परमेश्वर का बाइबल कहता है कि परमेश्वर का राज्य हम लोगों के कहां पे है? बीच में है। सो हमारे बीच में होने के नाते आज परमेश्वर का राज्य आपको और मुझको स्थापना करना है। आमीन। हालेलुया। और एक बात याद रखना, परमेश्वर का राज्य को जब आप और मैं इस्तेमाल करेंगे, जब हम लोग उसके लिए काम करेंगे, बाकी चीज परमेश्वर खुद ब खुद देखभाल करेगा। आमीन। आज बहुत समय हम लोग सोचते हैं कि कहां से होगा, कैसे करके होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आप अपना फोकस को परमेश्वर के राज्य में और उसका राज्य को बढ़ाने के लिए देंगे, बाकी सब चीज परमेश्वर खुद ब खुद करेगा। Amen, yes. आज आपको चिंता करने का दरकार नहीं है। आज हम लोग हैं, हम लोगों को चिंता आता है, लेकिन जब हम हमारा ध्यान को परमेश्वर के राज्य में देंगे, परमेश्वर हमारे चीजों को काम करेगा। परमेश्वर हमारे चीजों का उपाय को करेगा, परमेश्वर हमारे चीजों का देखभाल करेगा। आमेन। सो चार चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। एक चर्च प्लांटर का क्वालिटी, एक कलीसिया स्थापना करने वाला व्यक्ति कैसे होना। पहला चीज, डू व्हाट इज राइट इन द आईज ऑफ गॉड। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आज चर्च को स्थापना करने के लिए आपको और मुझको वही करना है जो परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है। आज हम लोग लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं। आज आपका और मेरा काम है परमेश्वर का आंख में, दृष्टि में जो सही है उसी चीज को करना। आज लोग लोगों को खुश करने के लिए काम करते हैं। याद रखिए, अगर हम लोगों को खुश करना चाहेंगे तो हम खुद निराश होंगे। If you want to please people, you will be disappointed. Do what is right in the eyes of God. मैं चाहता हूं कोई भी मेरे साथ में दूसरा राजा उसका 18 अध्याय और 1 से लेकर 7 पद तक हम लोग हमारा समय को बिताएंगे। यहां पे आप पाएंगे राजा हिजकिय्याह का कहानी। हिजकिय्याह, बाइबल कहता है उससे पहले उस जगह में ऐसा चीज हो रहा था जहां पे सब लोग परमेश्वर से दूर चला गया।
लोग परमेश्वर का दृष्टि में जो बुरा था उसी चीज को कर रहा था। वे लोग परमेश्वर से दूर चले गए, परमेश्वर ने बोला हुआ चीज को उन लोग नहीं कर रहा था। उस समय बाइबल कहता है हिजकिय्याह जब राजा हुआ, he did what is right in the eyes of God just as his father David has done, बोलता है। हिजकिय्याह का एक अध्याय उसका 18 का 13 पद, 3 पद को पढ़ दो कोई भी। सेकंड किंग चैप्टर 18 वर्स 3। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसे ही उसने भी किया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। व्हेन द टाइम वाज नॉट इजी, आज हम लोग सोचते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ओ हमारा जगह का लोग ठीक नहीं है, हमारा लोग प्रभु को नहीं मानता है, वो लोग ऐसा विश्वास करता है, वैसा विश्वास करता है, अगर हम लोग सुसमाचार प्रचार करेंगे लोग हम लोगों को डांटेगा, मारेगा, हम लोगों का विरुद्ध में आएगा। देखिए ये चीज आगे से ही हो रहा था। जब हम लोग नया नियम को पढ़ते हैं, सतावट को देखा हम लोग, अभी तो कुछ नहीं है, पहले का जमाना में क्या कर रहा था, बाइबल कहता गला काट देता था, घर से घसीटते हुए निकालता था, मारता था, बंदेगिरी में डाल देता था। उस समय भी लोग प्रचार किया। ये जगह में भी हम लोग जब देखते हैं बाइबल क्या कहता है, एक और दो पद जब हम लोग पढ़ते हैं, लोग परमेश्वर से दूर चला चुका, लोग परमेश्वर का दृष्टि में जो सही था वो नहीं कर रहा था। लेकिन उस समय जब हिजकिय्याह राजा हुआ, ही डिड व्हाट इज राइट इन द आईज ऑफ गॉड। आज परमेश्वर ने आपके जगह में आपको चुना है, एक चर्च स्थापना करने के व्यक्ति के रूप में, एक कलीसिया को स्थापना करने के लिए, तो आपको भी वही करना है जो परमेश्वर के दृष्टि में सही है। हालेलुया, हालेलुया। डिनोमिनेशन के दृष्टि में नहीं, लोगों के दृष्टि में नहीं। हो सकता लोग आपको बोलेगा, कौन बोला तेरे को प्रचार करने के लिए, कौन बोला? हो सकता विश्वासी लोग ही आपको रोके, पास्टर्स लोग आपको रोके। जब पूरा नया नियम में एपोस्टलों को, प्रेरितों को जब रोका गया, प्रेरित लोग ने क्या बोला, यू डिसाइड। 4 अध्याय प्रेरित 4 में बोलता है, तुम बोलो मुझको कि हम लोगों को परमेश्वर का बात नहीं सुनकर आपका बात सुनना है। गॉड सेज प्रीच। So, एक परमेश्वर का एक कलीसिया स्थापना होने के नाते, एक कलीसिया स्थापना करने वाला व्यक्ति होने के नाते, आपको और मुझको वही करना है जो परमेश्वर के दृष्टि में सही है। Amen, yes. Amen. आपको मालूम है जब मैंने सेवकाई को शुरू किया, बहुत लोग आया मेरे को बोला, कौन बोला प्रचार करने के लिए, तेरा डिग्री क्या है? बहुत लोगों ने डिग्री मांगा, आज कोई नहीं मांगता है। आज भी मालूम है लोगों को इसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन कोई भी नहीं मांगता है। जब आप परमेश्वर का दृष्टि में जो सही है उसको करेंगे, जब परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में बढ़ेगा, परमेश्वर आपका जो अभिषेक आपके अंदर में है वो आपके लिए मौकाओं को निकालेगा। आमेन, हालेलुया। लोग आपके लिए मौका को नहीं लेके आएगा, आपका एजुकेशन आपके लिए मौका को लेके नहीं आएगा, लेकिन जो अभिषेक आपके भीतर में वो आपके लिए मौकाओं को लेके आएगा। द एनॉइंटिंग विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी। आमेन। आपका अंदर में होने वाला अभिषेक आपको मौका देगा। आमेन। ही डिड व्हाट इज राइट इन द आईज ऑफ गॉड। ये झुका नहीं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। वो नया पिक्चर निकला था ना, क्या बोलता, पुष्पा, झुकेगा नहीं। हम लोग भी, चर्च प्लांटर्स लोग भी, झुकेगा नहीं, करके छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी कुछ भी बोले, झुकेगा नहीं, करके छोड़ेगा। चर्च प्लांटर्स, डू व्हाट इज राइट इन द आईज ऑफ गॉड। आमेन। परमेश्वर का दृष्टि में जो सही है, Amen? Amen. Hallelujah. परमेश्वर का दृष्टि में जो सही है वो हम लोगों को करना है। आपको मालूम है डैनियल का किताब में जब 3 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, नबूकदनेस्सर, बाइबल कहता उसने अपना मूर्ति को बनाया और लोगों को बोला जब हम लोग ये ट्रम्पेट को बजाएंगे सब कोई मेरा बनाया का मूर्ति के आगे क्या करना है, झुकेगा। लेकिन उस समय भी शद्रक मेशक और अबेदनगो को थे, बोला झुकेगा नहीं। Amen. Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया। वो भी बोला झुकेगा नहीं। अभी का जितना भी फिल्मी का डायलॉग है सब बाइबल से निकाला है। आमेन। 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 हालेलुया। ये तीन लोग क्या बोलता है, झुकेगा नहीं। डॉक्टर राजा ने बोला हम तुमको आग में फेंक देगा, तब भी बोलता है झुकेगा नहीं। आमेन। एक्सस प्लांटर से ऐसा होना है, चाहे मुसीबत आए, दुख आए, तकलीफ आए, झुकेगा नहीं, करके छोड़ेगा। जो परमेश्वर ने मुझको बोला है, परमेश्वर का दृष्टि में जो सही है वही चीज को करेगा, क्योंकि एक कलीसिया स्थापना करने वाला व्यक्ति वही करता है जो परमेश्वर के दृष्टि में सही है। हालेलुया। 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 बाइबल कहता है कि उन लोगों ने बोला, राजा ने बोला तुमको आग में फेंक देगा, तभी भी बोला झुकेगा नहीं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. राजा ने जब ये बात को बोला, ये तीन व्यक्ति राजा को क्या बोलता है, इस विषय में हमें आपको बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, बोलता है। Hallelujah. 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 We don't want to defend ourselves in this matter, बोलता है। हालेलुया। बोलता है बिकॉज वी नो, क्योंकि हमें मालूम है जिस परमेश्वर का हम आराधना करते हैं वो हमें तेरे हाथ से भी बचाने का योग्य का है। हालेलुया। डू व्हाट इज राइट इन द आईज ऑफ गॉड। हालेलुया। और क्या बोलता है मालूम है, और क्या बोलता है, बोलता है यदि वो ना बचाए तो भी मैं तेरे बनाए हुए मूर्ति के आगे नहीं झुकूंगा। ओ जीसस। आमेन। हालेलुया। 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 ये बात को बोलता यदि वो ना भी बचाए तो। आज विश्वासी आया आता भुड़ी दुखी ना कति प्रार्थना करता पनि निको हुँदैन भन्छ। समस्या 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 बोलता है, लेकिन वो क्या बोलता है, आज आपका और मेरा उत्तर कैसे होना है, पेट दुखे तो भी वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। Come on, pastor. मेरा पास खाना हो ना हो Amen. वो उपाय yes, करने yes. वाला परमेश्वर है। Alleluia. मेरे पास घर हो yes, ना हो yes, वो yes. उपाय करने वाला परमेश्वर है। Do what is right in the eyes of God. Do what is right in the eyes of God. Come on, pastor. Come on. ऐसा होना है। Yes. आपका और मेरा जवाब ऐसा होना है। Yes. Hallelujah. 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 आज बाइक हो ना हो हम चल के भी सुसमाचार प्रचार करेंगे। Amen. Hallelujah. Oh Jesus. Amen. क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर बचाने का योग्य का है। Amen. Hallelujah. Oh Jesus. Yes. ये तीन व्यक्ति क्या बोलता है, यदि ना भी बचाए तो, ठीक ही नहीं पढ़ दो। आप सोचेगा मैं कहानी बोल रहा हूं तो देख लो लिखा हुआ है क्या है, पढ़ दो डैनियल 3:25 पद पढ़ दो क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। जस्ट रीड फ्रॉम 17, 17 से पढ़ दो। दानियल 3:17, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद क्या कहता देखो, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। आमेन। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो, यदि नहीं तो ए राजा तुझे मालूम हो। हालेलुया। कि हम लोग तेरे बनाए हुए मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ओ जीसस। हालेलुया। 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 जीसस। यस। हालेलुया। आमेन। कोई बात नहीं मेरे में पैसा हो ना हो, लेकिन शैतान तू जान कि मैं चर्च स्थापना करूंगा। आई विल ब्रांड द चर्च। आई विल ब्रांड द चर्च। आई विल ब्रांड द चर्च। आमेन। यस। हालेलुया। 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 बीमार में हो तो भी शैतान तू जान कि मैं चंगाई का प्रचार करूंगा। ओह यस गॉड।
I will preach. Do what is right in the eyes of God. वही करो जो परमेश्वर का दृष्टि में सही है. Amen. 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 आग में डाल दूंगा वो भी उनको धमका नहीं सका. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर का आग उस आग से भी कई गुना बढ़कर है. हालेलुया. ओ जीसस. हालेलुया. 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 यस. हालेलुया. जीसस. हालेलुया. हालेलुया. ये अच्छा लगता है. लेकिन आज बोलता है तो तभी जाएगा. बोलता है चंगा कर दो तब विश्वास करेगा. गोजी भर दो तब मानेगा कि परमेश्वर मेरा उपाय करने वाला परमेश्वर है. शैतान जो दिखाता है उसको मत देखो. प्रभु जो दिखाता है उसको देखो. Amen. Hallelujah. Hallelujah. As a church planter, do what God telling you. Amen. Yes. जो परमेश्वर के दृष्टि में सही है उसको करो. जो परमेश्वर के दृष्टि में सही है उसको करो. Yes. ये व्यक्ति लोग वही किया. बाइबल कहता राजा गुस्सा हो गया. ट्रम्पेट बजाते समय कोई भी ये तीन जन नहीं झुकेगा. झुकेगा नहीं. हिंदी में तो झुकेगा नहीं साला बोलता है ना. कोई नहीं. अभी हाल में हमें बेंगलोर में सैक्स में एक कॉन्फ्रेंस हॉल में था हम लोग. तो एक ठो हम लोग इसे टेबल में खा रहा था तो हमारा एक ठो भैया का दोस्त का जीजा जी है. उसको सब जीजा जी बोलता है. बड़ा वो भी पास्टर है. सब खाना खा रहा था. ऐसे बात करते 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 उसको सबको जीजा जी बोलने लगा. अब मेरा भैया का दोस्त तब जीजा जी सबका जीजा जी हो गया. अब जीजा जी तो मैं उसको बोला जीजा जी धमकाओ कभी कभी ये लोग को बोलो. तो जितना भी बड़ा पास्टर क्यों ना साला तू मेरा साला ही रहेगा. मैं उसको बोला धमकाओ ये लोगों. बोलो तो जितना भी बड़ा पास्टर क्यों ना हो जाए साला तू मेरा साला ही रहेगा. ये गाली नहीं है. साला भी अच्छा शब्द. साला क्या गाली है. नहीं साला तो साला है. साला तो साला ही है. तो मैं क्या बोलना चाहता हूं. राजा भी गुस्सा हो जाता है. उसका आंख को चार गुना क्या करता है बढ़ा देता है. और बोलता है लोगों बांधो और क्या करो फेंक दो. फेंक देता है. बाइबल बोलता है जो लोगों ने फेंका वो जल गया. इतना ज्यादा आग उसका ताप. बोला जो लोग ने डाला वो जल गया. थोड़ा देर बाद राजा अपना कलर को शायद ऊंचा करके देखने के लिए आया होगा क्या हो रहा है. बाइबल बोलता है जब उसने आग में देखा वो अपने ही आश्चर्यचकित होता है. वो अपना सिपाही को बुलाता है ए जल्दी इधर आ. क्या हम लोगों ने तीन लोगों को नहीं फेंका. सिपाही बोलता है यस हम लोगों ने तीन पीपल लोगों को फेंका. लेकिन राजा क्या बोलता है लेकिन मैं चार जन को देखता हूं और एक प्रभु यीशु का बेटे के जैसा दिखता है. वन लुक लाइक सन ऑफ गॉड. ओ यस गॉड जीसस. आमेन. हालेलुया. याद रखो एक बात. अगर आप जो परमेश्वर का दृष्टि में सही है उसको करेगा तो आग भी जला नहीं पाएगा. yes, आपको आग भी जला नहीं पाएगा. रोग बीमार मार नहीं पाएगा. लेकिन नहीं पाएगा. शैतान आपको छू नहीं सकता. आमेन. तो व्हाट इज राइट इन द आइज ऑफ गॉड. आग भी जला नहीं पाया. Do what is right Amen. In the eyes of God. Yes, God. शैतान डराने का कोशिश करेगा. डरना नहीं. झुकेगा नहीं साला. Amen. झुकेगा नहीं. Glory. ऐसे बोलो ए कालिया तेरे आगे झुकेगा नहीं. Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He says. जो चौथा परमेश्वर का पुत्र का जैसा दिखता है. तब आप परमेश्वर का दृष्टि में जो सही है उसको करेगा ना
परमेश्वर सब समय आपके साथ रहे। आमीन। यस, याद रखो जब आप ऊंचा में है तभी परमेश्वर आपके साथ में नहीं है। बाइबल क्या कहता है, व्हेन यू गो थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ आई एम विद यू। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 23 कहता है, जब तुम अंधकार के घाटियों में से होके चलोगे मैं तेरे साथ रहूंगा। ओ जीसस, खाली ऊपर में नहीं लेकिन जब हम लोग मृत्यु के घाटी में भी होंगे ना, अंधकार के समय में भी होंगे, दुख तकलीफ में भी होंगे, प्रभु हमारे साथ रहेगा। आमीन, आमीन। इतना ही नहीं, राजा बोलता है इनको निकालो। राजा क्या बोलता है, इनको निकालो। और उसके बाद क्या बोलता है, आज से, क्या बोलता है, आज से जो कोई सद्रक मेशक एंड अबेद्नेगो का परमेश्वर को दंडवत नहीं करेगा उसको आग में डाल दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप लोग परमेश्वर का दृष्टि में सही है, जब आप करेंगे, यू विल एस्टैब्लिश द किंगडम ऑफ गॉड इन योर प्लेस। यस गॉड। ये तीन जन, ये तीन लोग जो परमेश्वर का दृष्टि में सही था वही किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मुझको छोड़ और कोई देवी देवता के आगे दंडवत ना करना। उन्हें किया, परमेश्वर का दृष्टि में जो सही था वही किया, और बाइबल कहता है चीज बदल गया। आमीन, 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 आमीन। आपको मालूम है जो लोग मेरे को डिग्री मांगता था ना, आज वो लोग मेरे को इनवाइट करता है। आमीन, आमीन। जो लोग डिग्री मांगता था आज वो लोग मेरे को बोलता है समय दो मेरे को थोड़ा सा आपसे बात करना है। घमंड नहीं करता हूं, अनपढ़ मान्छे पढेको छैन, इंग्लिश अल्सो मिरेकली केम आउट फ्रम माई माउथ। इंग्लिश आश्चर्यकर्म से 2006 में मेरा मुख से निकला। आमेन, मिरेकली केम आउट, मिरेकली। 8 भाषा बोल नहीं सकता हूं आज, कोई नहीं सिखाया। 8 भाषा, 22 देश में गया, कोई कोई देश तो गिन भी नहीं सकता कितना बार गया कितना बार आया, अनकाउंटेबल। कोई लोगों ने, कोई व्यक्ति ने नहीं खोला, मौका प्रभु ने खोला। आमीन, यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। डू व्हाट इज राइट इन द आईज ऑफ गॉड एज ए चर्च प्लांटर्स। प्रभु जो बोलता है करो। आमीन, जाओ प्रचार करो, जाओ प्रचार करो। जब आप प्रचार करोगे उपाय आपको खोजते खोजते आएगा। आमीन। बाइबल से सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस एंड एवरीथिंग विल बी एडेड अनटू यू। परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करो और बाकी सब वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएगा बोलता है। yes, अपने God. आप Amen. अपने आप अपने आप अपने आप। लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनो। यदि आप सफलता का पीछा करोगे, ध्यान से सुनना, यदि आप सफलता का पीछा करोगे सफलता आपका आगे आगे भागेगा। आमीन। लेकिन यदि आप परमेश्वर का राज्य को खोजोगे सफलता आपको खोजते खोजते आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, आमीन, यस, दैट्स द पावर, दैट्स द पावर। Amen. Catch the power. Yes. Amen. सफलता आपको खोजते खोजते आएगा। Yes. ऐसा बैठे बैठे प्रचार मत करो कि लोग सोए, ऐसा प्रचार करो कि लोग जागे। Amen. 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 Hallelujah.
हालेलुया हालेलुया। एक पास्टर ने ऐसा बोला, प्रचार कर रहा था, करते करते बहुत लंबा प्रचार किया, उसके बाद ऐसा बोला, अभी मैं विश्वासियों को बोला, अभी मैं बैठ बैठ कर प्रचार करूंगा। हाँ बोला विश्वासी, बोला ठीक है अब हम सो सो के सुनेंगे। बोला मास्टर, बोला अभी मैं थक गया हूं, मैं बैठ बैठ के प्रचार करूंगा। विश्वासी बोला ठीक है अब हम सो सो के सुनेंगे। ऐसा ही हो रहा है आज, लोग कहां कहां से इंटरनेट से या कहां कहां से पूरा लंबा निकालता है और तब तक नहीं छोड़ता है जब तक पूरा पढ़ के खत्म ना कर दे। गेट समथिंग फ्रॉम अबोव, आमेन, यस, व्हिच विल चेंज द लाइफ ऑफ पीपल, यस, आमेन। कुछ चीज ऊपर से प्राप्त करो जो नीचे को परिवर्तन करेगा। आमेन, यस, हालेलुया 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 हालेलुया। डू व्हाट इज राइट इन द आईज ऑफ गॉड, परमेश्वर का दृष्टि में जो सही है वो करो। यस, दानियल चैप्टर 6 में भी आप देखोगे, दानियल परमेश्वर का दृष्टि में जो सही था वो किया। बाइबल बोलता है दानियल को बहुत ऊंचा फेवर, अनुग्रह परमेश्वर की ओर से भी था और राजा की ओर से भी था। लेकिन बाइबल क्या कहता, जब राजा उसको प्रमोट करना चाहा, आशीष देना चाहा, ऊपर में रखना चाहा, तो कौन जलता है? बोला कौन जला? जो दानियल के साथ में था। याद रखो, जब आप तरक्की करोगे, अगर आपका आसपास का लोग, आपका दोस्त जलता है, डोंट बी सरप्राइज, आश्चर्यचकित मत हो, क्योंकि ये पहले से ही होता था। बहुत लोग निराश हो जाता है, ऐसा बोलता है, अरे बोलने दो ना, तो उसको क्या फर्क पड़ता है। वो लोग बोला, अभी ये दोस्त लोग उसको ऐसा उपाय खोजने लगा, कैसे इसको राजा के नजर में गिरा दें। एक ही पाता है, कुछ नहीं पाता, एक ही पाया, क्या पाया? क्योंकि दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर के आगे दंडवत करता था, राजा को जाके बोला, राजा ऐसा चीज बोलो जो 1 महीना तक 30 दिन तक सब लोग आपको दंडवत करे, यदि कोई दूसरा को दंडवत करेगा तो उसको कहां डाल दो? सिंह के खोर में। राजा भी साइन कर देता है। बाइबल क्या बता, 10:6 कहता है, When Daniel knew, जब राजा को, दानियल को मालूम चला, राजा ने उस लेटर में साइन कर दिया है, बाइबल कहता है दानियल डरा नहीं, but he says he went, 10 कहता है, he went his upper room, open the window, खिड़की को खोलता है जो जेरूसलम की ओर दिखता है, और उस जगह में दिन में 3 बार दंडवत किया, प्रार्थना किया, और बोलता है as He was doing before, जैसे वो पहले करता था, जैसे वो पहले करता था। उसको मालूम है राजा उसको कहां डाल देगा? सिंह का खोर में। तभी भी उसको रोका नहीं, वो परमेश्वर का ही आराधना किया। आज क्या समस्या आपको रोक रहा है परमेश्वर का प्रचार करने के लिए? वो गांव में नहीं जाएगा, लोग मारेगा। कुछ दिन पहले हम लोग एक जगह में था जहां सुसमाचार प्रचार करने का अनुमति नहीं है। परमेश्वर ने मुझको जाने के लिए कहा, हम लोग ऐसे ही प्रचार कर रहा था, एक साथ में 300 लोग, आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी, दरवाजा लात मार के निकाल दिया, चीयर सब सब तोड़ने, सब फेंकने लगा, और आके हम लोगों को चार्ज करने लगा। मैं भी था वहां पे। अचानक हमारा ग्रेजुएट्स लोग आगे जाके वो लोग बोलने लगा, क्यों आप लोग कर रही है? हम लोगों का जगह है, हम लोगों का घर है, हम लोग कर रही है। लेकिन उन लोगों ने हम लोगों को ब्लेम करने लगा, ये लोग पैसा दे के कन्वर्ट कर रहे हैं। पुलिस को भी बुलाया, 300 लोग पूरा बाहर, हम लोग ऊपर में, और नीचे से लोग चिल्ला रहा है, ये लोग को पकड़ो, जेल में डालो, जेल में डालो बोल रहे हैं।
तीन पुलिस आया, हम लोग ने परमेश्वर का हाथ को देखा वहां काम करते हुए। तीन पुलिस आया, एक पुलिस सिविल ड्रेस में, दो पुलिस ड्रेस में। जो दो पुलिस जो था वो ड्रेस में भीतर घुसा और एक सिविल ड्रेस का जो लोग था, पुलिस था, वो उन्हीं लोगों के बीच में खड़ा था आरएसएस बजरंग दल के पीछे। इन लोग आके हम लोगों को पूछताछ करने लगा। हम लोग बोला, हम लोग ने किसी को पैसा नहीं दिया, हम लोग यहाँ पे प्रभु का प्रेम को बांट रहा, प्रार्थना कर रहा है, ग्रेजुएट्स लोग बोल रहा है, और नीचे से लोग चिल्ला रहा है, इन सबों को क्या करो, भीतर डाल दो, जेल में डाल दो। जब कुछ पुलिस लोग नहीं कर रहा था, अचानक ये आरएसएस वाला लोग क्या बोलने लगा, ये जो पुलिस लोग ऊपर गया है, ये लोग भी पैसा खाया। बोला क्या बोला, ये लोग भी पैसा खाया, इसीलिए ये लोग को नहीं पकड़ रहा है। और इन लोग बोला उसी पुलिस को जो सिविल ड्रेस में था, आरएसएस वाला लोग, सिविल ड्रेस का आदमी जो पुलिस जो आया था, जो सिविल ड्रेस में उन लोगों के बीच में था, उन्हीं लोगों को बोल रहा है ये पुलिस लोग भी पैसा खाया। ये पुलिस का दिमाग घुमा, ये बोला पुलिस लोग पैसा खाया बोल के हम लोगों को कुछ नहीं करके उन लोगों को मारते मारते ले गया। हालेलुया, गॉड, जब आप और मैं परमेश्वर के लिए खड़ा होंगे, परमेश्वर हमारा होकर काम करेगा। गॉड विल वर्क बिहाइंड ऑफ अस। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, गॉड विल वर्क बिहाइंड ऑफ अस। आमेन, आमेन। हम लोग उस समय कॉन्फ्रेंस खत्म करके आया, लेकिन हम लोग रोका नहीं, हम लोग फिर उस जगह में जाके प्रोग्राम किया, डू व्हाट इज राइट इन द आईज ऑफ गॉड। आमेन, आमेन। दानियल को भी क्या किया, सिंह के खोर में डाल दिया। राजा रात भर नहीं सोया, सुबह उठकर वो बोर को उठकर गया और क्या बोलता राजा, दानियल जिस परमेश्वर का तू आराधना करता है, क्या वो तुझको बचाया? दानियल क्या जवाब देता है, राजा लिव फॉर एवर, गॉड सेंट, परमेश्वर ने अपना दूत को भेजकर सिंह का मुंह को बंद। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, दैट्स गॉड। जब आप और मैं परमेश्वर का दृष्टि में जो करेंगे, परमेश्वर हमारा कर काम करेगा। आमेन। इतना ही नहीं, राजा ने क्या बोला, आज से, कोई कहानी हम लोग फिर वहां पे देखते हैं, आज से जो कोई यदि दानियल का परमेश्वर की आगे दंडवत ना करे, उसको सिंह के खोर में डाल दिया। किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। जब आप और मैं परमेश्वर के दृष्टि में जो सही करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए आशीष को देगा। यस, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट टाइम इज, कभी हम लोग बोलने से बोलते रहता, हम लोग भी, लेकिन हम लोग सुलाता नहीं है, जगाता है। आमेन, आमेन, हालेलुया, यस। मेरा एक दोस्त बोलता है, मैं ना खाने का समय में ना ज्यादा नहीं प्रचार करता है, जब मेरा एक दोस्त बोलता है, शामिल भूख लगने का समय ना पवित्र आत्मा भी काम नहीं करता है, बोलता है। ये बाइबल में नहीं लिखा है, मेरा दोस्त बोलता है। भोक लागे को बेला में पवित्र आत्मा ले पनी काम गर्नु छोड़ दिन्छ भन्छ। इधर ज्यादा प्रेशर होने से इधर कुछ नहीं होता है ना, मतलब ने क्या पकड़ा, लेकिन वही घूम रहा होगा इधर। आमेन, आमेन। सो आई विल स्टॉप हियर, आई डोंट वांट टू टेक। आमेन, क्योंकि सचमुच काम नहीं करता है प्रियो, इधर जब प्रेशर होता है ना उस समय ऐसा तो हंसेगा, लेकिन दांत अगले छोड़ सा होता है। तो मैं नहीं चाहता हूं आपका सुंदर दांत भी खराब हो, जैसी दाड़ा कीटे बनी फिर दांत बने टेको बांगो हो जा फिर। आमेन। सो विल प्रे, फादर गॉड, वी कम टू योर थ्रोन इन जीसस नेम, वी वर्शिप यू, वी ऑनर यू एंड गिव यू ग्लोरी लॉर्ड। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो कुछ भी प्रभु आप हमें सिखा रहे, प्रभु सहायता कर ताकि हम उसे आपके महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। आपका अनुग्रह आशीष का घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। आमेन।